हेलो, गुड इवनिंग। सब लोग लाइव आ जाइएगा। अपने सारे दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। हेलो, वेरी गुड इवनिंग ऋषिकेश कुमार, अनिमेश कुमार, रिया राज, शिवानी गुप्ता, विवेक कुमार शाह, रोशन राज, अश्विनी कुमार, शिवानी गुप्ता, विवेक कुमार शाह, अश्विनी कुमार, शिवानी गुप्ता। हेलो, वेरी गुड इवनिंग। सब लोग लाइव आ जाइए और अपने सारे दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिए, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम चैनल पर। क्रैक ऑल बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम विद द टॉप एडुकेटर, क्वालिटी कंटेंट एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण, मेरे पास कुल 9 सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल में एक लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है अनअकैडमी। अनअकैडमी की बात करें तो टोटल 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर ये अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप हमसे किसी भी कैटेगरी में जुड़ सकते हैं, हर एक कैटेगरीज के लिए यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल है। सुभराज कुमार जी नमस्ते, प्रियंका कुमारी वेरी गुड इवनिंग। आफ्टर सब्सक्रिप्शन आपको टॉप एडुकेटर के टॉप बैचेस देखने को मिलेंगे, तो मेरा रेफरल कोड जरूर याद रखिएगा, RPK10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको बता दें कि टॉप एडुकेटर के टॉप बैचेस में यहाँ पर मिलेंगे। 17 मार्च को एक बैच स्टार्ट हुई है, बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑन बैंक प्रिपरेशन, 30 प्लस अनलिमिटेड एक्सेस, 30 प्लस बैचेस एवरी मंथ, 20 आवर ऑफ कंटेंट एडेड एवरी आवर्स, चूज व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू। 70 प्लस एडुकेटर के क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे आफ्टर सब्सक्रिप्शन। 40 की आवर्स यानी 40,000 आवर्स रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा आपको यहाँ पर, और 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, 98% ट्रस्टेड ओवर 98% बैंक एस्पिरेंट्स, बेस्ट एडुकेटर के बैचेस आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक, ये बैचेस तब मिलेगा आपको जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, RPK10 कोड यूज कर लीजिएगा। ठीक, सुनील कुमार जी बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? शिवानी गुप्ता जी हैप्पी होली, सुभराज कुमार जी नमस्ते, प्रियंका कुमारी वेरी गुड इवनिंग, सतीश कुमार हैप्पी होली, आप सभी को होली की शुभकामनाएं। तो 17 मार्च से एक बैच स्टार्ट हो रही है SBI क्लर्क की, और 17 मार्च से एक CET का बैच शुरू हो रहा है, टारगेट SBI PO 2021 और टारगेट IPS PO 2021। एक अनअकैडमी का कॉम्बैट टेस्ट होता है जो हर संडे को 10 बजे सुबह में होगा, आप इनरोल कर लीजिएगा मेरा कोड यूज करके। आपको बता दें यह टेस्ट बिल्कुल फ्री है और आप 1 करोड़ रुपए तक की राशि को जीत सकते हैं। हाँ, ये कुछ टेस्ट सीरीज हैं जो कि अवेलेबल हैं, इंग्लिश के टेस्ट या फिर SBI PO मेन्स, SBI IPS क्लर्क मेन्स, और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, SBI क्लर्क प्री एपिसोड, SBI क्लर्क मॉक टेस्ट और रीजनिंग विद अंकुश लांबा। ठीक, तो इतने सारे क्लासेस हैं आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे बैचेस टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल फ्री है। आप करिएगा क्या, बस अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा,
अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और आप लोग अपने अपने ग्रुप में इन्फॉर्म कर दीजिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। प्रदर्शनी भारद्वाज जी, वेरी गुड इवनिंग। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और 1 सालों के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसके लिए फ़ी है टोटल 6500 रुपये, और 2 सालों के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसके लिए फ़ी है टोटल 7800 रुपये। लेकिन जैसे आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे ना RP10, आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और 1 साल के लिए जहाँ पर फ़ी थी 6500 रुपये, वहाँ लाएंगे 5850, और 2 सालों के लिए जहाँ पर फ़ी थी 7800 रुपये, वहाँ लाएंगे 7020 रुपये। तो मेरा रेफरल कोड जरूर याद रखिएगा, RP10। और आज आपको बता दें कि अभी से 3 घंटे की क्लासेस है लगातार, तो सब लोग धैर्य बनाए रखिएगा 3 घंटे तक। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मार्च महीने का है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड ई परिवहन व्यवस्था, यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई परिवहन व्यवस्था लॉन्च किया। थोड़ा तो जल्दी जल्दी फटाफट आंसर देते जाना। द फैक्ट, वेरी गुड इवनिंग। क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, आंसर क्या होगा। अविनाश, अश्विनी कुमार सी नंबर, रोशन राज सी नंबर, द फैक्ट सी, सतीश कुमार ए, ऋषिकेश कुमार सी नंबर, प्रियंका कुमारी सी। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, यानी कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, परमिट आदि के बारे में राज्य के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य परिवहन विभाग का ई परिवहन अभियान शुरू किया है। संजीव कुमार ठाकुर जी, वेरी गुड इवनिंग। हिमाचल प्रदेश की बात करें, कैपिटल शिमला, विंटर कैपिटल धर्मशाला, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंदारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी। फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताओ, आंसर बताइएगा। शिवानी गुप्ता जी डी नंबर, बहुत बढ़िया आंसर। जो सही था उसमें रिया राज, ऋषिकेश कुमार, प्रियंका कुमारी, अश्विनी कुमार बी नंबर, प्रियंका कुमारी बी, रोशन राज बी, रिया राज बी नंबर। वेरी गुड इवनिंग रोशन। तो क्वेश्चन था कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी। फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सतीश कुमार बी नंबर, निधि उगाड़े बी, संजीव कुमार ठाकुर जी बी नंबर, ऋषिकेश कुमार बी, प्रदर्शनी भारद्वाज बी नंबर। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा शांतनु मित्रा बी नंबर। देखिए ये रिवीजन सेशन है इसीलिए सारा क्वेश्चन आप लोगों का पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा फास्ट चलिएगा। फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी ने शांतनु मित्रा को नया CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नियुक्ति 2 अप्रैल से प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली इन विच यूनियन टेरेटरी यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रेसिडेंट रूल, यानी कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दी है। न्यू दिल्ली, लक्षद्वीप, लद्दाख, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पिछले क्वेश्चन का जो आंसर सही था, हैंड रेज करते जाना सब लोग। और आपका जो भी अपना टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप है, हर जगह पर लिंक को शेयर कर लीजिएगा। प्रथम राठौर जी, वेरी गुड इवनिंग। निधि उगाड़े जी पुडुचेरी, सतीश कुमार डी, रोशन दास, अश्विनी कुमार, इसका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। इसका आंसर क्या है, तो पुडुचेरी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति शासन की मंजूरी दे दी है। कहाँ, पुडुचेरी में, एन नारायण स्वामी जो वहाँ पर इस्तीफा दिए थे। थोड़ा क्वेश्चन मार्च के फर्स्ट वीक का है तो आपको ऐसा ही मिलेगा, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार का पतन हुआ। मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार इस हफ्ते की शुरुआत में
पुडुचेरी विधानसभा में अपना पहला बहुमत साबित करने में विफल रही थी। मॉन्स्टर, वेरी गुड इवनिंग। रोशन राज जी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया एंड विच कंट्री हैज अनाउंस ए बाई वीकली ट्रेन, यानी कि भारत और किस देश ने द्विसाप्ताहिक ट्रेन की घोषणा की है। आप लोग एक चीज बता दें, कल फिर एक मैराथन सेशन रहेगा सुबह 9 बजे से, ठीक, सुबह के 9 बजे से जो है वो 5 घंटे का सेशन होगा, तो आप सभी जो है लाइव जरूर आइएगा सुबह 9 AM। क्वेश्चन है कि इंडिया एंड विच कंट्री हैज अनाउंस ए बाई वीकली ट्रेन। सिन्हा मनोहर जी डी नंबर, प्रियदर्शनी भारद्वाज डी नंबर, अश्वनी कुमार सी, प्रथम राठौर जी सी, रोशन राज सी, संजीव कुमार ठाकुर जी सी सी सी, रिया राज सी, निधि उगाडे बांग्लादेश, मॉन्स्टर सी नंबर, सतीश कुमार सी। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, बांग्लादेश, सी नंबर बांग्लादेश, यानी कि भारत और बांग्लादेश ने बाई वीकली ट्रेन की घोषणा की है। भारत और बांग्लादेश ने उत्तर बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश और ढाका के बीच 26 मार्च को एक बाई वीकली ट्रेन की घोषणा की, जिस दिन पड़ोसी देश अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती समारोह शुरू करता है। बांग्लादेश की बात करें तो कैपिटल ढाका, करेंसी टका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। YouTube पे संजीव कुमार ठाकुर जी, YouTube पर क्लासेस रहेगी, प्लस पे नहीं। 9 बजे से मैराथन सेशन होगा, वो YouTube पे होगा, ठीक है। अश्वनी कुमार सही है, प्रथम राठौर, रोशन दास, रिया राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम ठाकर हैज अपॉइंटेड एज द ग्लोबल सीईओ ऑफ विच कंपनी, बताइएगा आंसर। अली एक्सप्रेस, सोपी पीटी लिमिटेड, ई बे, तराज, ओएलएक्स ऑटोस। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गौतम ठाकर हैज अपॉइंटेड एज द ग्लोबल सीईओ ऑफ विच कंपनी, गौतम ठाकर ने किस कंपनी के वैश्विक सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। सालू सिंह, वेरी गुड इवनिंग। सुनी कुमार ई नंबर, प्रथम राठौर ई, रोशन राज ई, सतीश कुमार ई नंबर, सालू सिंह ओएलएक्स, संजीव कुमार ठाकुर ई नंबर, निधि उगाडे ओएलएक्स ऑटोस। चलिए बहुत बढ़िया, रिया सिन्हा मनोहर जी ई नंबर, रिया राज ई नंबर। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई नंबर, ओएलएक्स ऑटोस, ओएलएक्स ऑटोस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि ईरकली गरीब साली हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, ईरकली गरीब साली को किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। रसिया, आर्मेनिया, बेलारूस, ग्रीस और जॉर्जिया। ऋषिकेश कुमार ई नंबर, या राज ई नंबर, जो आंसर सही है उसमें अश्वनी कुमार, प्रथम राठौर, रोशन दास, शिवानी गुप्ता। रिया राज, सालू सिंह, जॉर्जिया, सुनी कुमार ई नंबर, मिस्टर आदित्य सरकार, वेरी गुड इवनिंग। रोशन राज ई नंबर, प्रथम राठौर ई, सतीश कुमार ई, मिहिर चंद्रा ई, कृति सिंह, वेरी गुड इवनिंग। तौसिक राजा जी बी नंबर, निधि उगाटे जॉर्जिया, संजीव कुमार ठाकुर जी ई नंबर, कृति सिंह ई, सिन्हा मनोहर ई नंबर, रिया राज बी नंबर, मिहिर चंद्रा प्रणाम। तो क्वेश्चन था कि इरकली गरीब साली किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर, जॉर्जिया, बताइएगा जॉर्जिया आंसर कितने लोगों ने दिया था। जॉर्जिया आंसर कितने लोगों ने दिया था, हैंड रेज करते जाना सब लोग, जिसने जॉर्जिया आंसर दिया है। सुनी कुमार, प्रथम राठौर, ऋषिकेश कुमार, कृति सिंह, रिया राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट चलिएगा क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है कवर करना है। जॉर्जिया की सांसद ने प्रधानमंत्री के रूप में इरकली गरीब साली की पुष्टि की, साथ ही कैबिनेट में विश्वास मत के साथ गरीबों साली ने आगे रखा। जॉर्जिया की बात करें, कैपिटल टिबिलिसी, जॉर्जियन लारी, सलोम, जूरा विचिली, बीचविली, कॉन्टिनेंट कौन सा, तो यूरोप, एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि TTFI, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, बताइएगा। मनु सोनी, रवि शास्त्री, दुष्यंत चौटाला, रामकृष्ण श्रीधर और भरत अरुण।
जो आंसर सही था उसमें अश्विनी कुमार, प्रथम राठौर, ऋषिकेश कुमार, कृति सिंह, रिया राज, सालू सिंह, ऋषिकेश कुमार, सिद्धार्थ कुमार, द फैक्ट, सतीश कुमार। थोड़ा सा फास्ट चलिएगा सब लोग। क्वेश्चन था कि हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि TTFI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ठीक है, आपको बता दी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहां पर सी नंबर, दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला, ठीक है, सी नंबर आंसर कितने लोगों का था, यानी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को पंचकुला में 4 साल के कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि TTFI के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो आंसर सही है उसमें सिद्धार्थ कुमार, सुनील कुमार, प्रथम राठौर, रिया राज, कृति सिंह। हरियाणा की बात करें तो इसकी कैपिटल चंडीगढ़, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। यहाँ पोल समरी मार है सिद्धार्थ कुमार, सुनील कुमार, प्रथम राठौर, रिया राज, कृति सिंह, रोशन राज, सालू सिंह, निधि उगाढ़े, द फैक्ट, मिहिर चंद्रा, सिद्धार्थ कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकल सोमरे हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, यानी माइकल सोमरे जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। पहला ऑप्शन है पापुआ न्यू गिनी, दूसरा है टिमोर लोस्टे, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा है सिंगापुर, पांचवा है ताइवान। मीर चंद्रा, सिद्धार्थ कुमार, मिस्टर आदित्य सरकार, सालू सिंह, पापुआ न्यू गिनी। बहुत बढ़िया, अश्विनी कुमार ए नंबर, प्रथम राठौर ए, मॉन्स्टर ई, निधि उगाढ़े जी ए नंबर, रोशन दास ए, सिद्धार्थ कुमार ए, मिहिर चंद्रा ए नंबर, रिया राज ए, मिहिर चंद्रा ए। क्वेश्चन था कि माइकल सोमरे जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी यानी कि माइकल सोमरे पापुआ न्यू गिनी के स्वतंत्रता और दक्षिण प्रशांत द्वीप राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री के रूप में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वो 84 वर्ष के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण को संबोधित किया है। पंचकुला, श्रीनगर, लेह, गुलमर्ग और पहलगाम। तो आंसर सही था उसमें है निधि उगाट या सुनील कुमार, सालू सिंह, प्रथम राठौर, रिया राज। क्वेश्चन का आंसर बताते जाइएगा आप लोग आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है अजीत यादव जी ए नंबर, बहुत बढ़िया, जो आंसर सही है उसमें निधि उगाढ़े, अश्विनी कुमार, सालू सिंह, प्रथम राठौर, रिया राज, मिहिर चंद्रा, सालू सिंह, गुलमर्ग, अश्विनी कुमार डी नंबर, मिहिर चंद्रा डी, निधि उगाढ़े डी नंबर, सिद्धार्थ कुमार डी, प्रथम राठौर डी, मिहिर चंद्रा डी नंबर, द फैक्ट डी, कृति सिंह डी। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुलमर्ग, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण को संबोधित किया है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, गुलमर्ग, डी नंबर गुलमर्ग। आप लोग सेशन को शेयर कर लीजिएगा, आपका जो भी अपना व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक जो भी ग्रुप है या आपके कांटेक्ट में जितने स्टूडेंट हैं सब तक लिंक को शेयर कर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा गुलमर्ग, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मोड के माध्यम से खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण में उद्घाटन भाषण दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू ने विश्व प्रसिद्ध शीतकालीन खेल गंतव्य गुलमर्ग में मेगा इवेंट के उद्घाटन समारोह के दौरान विशाल सभा को संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बिकम द यंगेस्ट मैन टू रो सोलो अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन, यानी कौन अटलांटिक महासागर में एकल पंक्ति में सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। पिछला क्वेश्चन का जो आंसर सही था उसमें है सिद्धार्थ कुमार, तौसिफ खान, सालू सिंह, अश्विनी कुमार, प्रथम राठौर, द फैक्ट, सिद्धार्थ कुमार, कीर्ति सिंह, मिस्टर आदित्य सरकार, निधि उगाढ़े। जी जी थोड़ा फास्ट आंसर करिएगा। बहुत बढ़िया सिद्धार्थ, सालू सिंह जी बी नंबर, अश्विनी कुमार बी, प्रथम राठौर बी, निधि उगाढ़े जी बी नंबर, सिद्धार्थ कुमार बी, मिहिर चंद्रा बी नंबर। तो क्वेश्चन है कि हु हैज बिकम द यंगेस्ट वुमेन टू रो सोलो अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन। बताइएगा यहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
बता दी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जस्मिन हैरिसन, बी नंबर। बी नंबर आंसर कितने लोगों ने दिया, हैंड रेज करना। बी नंबर यानी कि अटलांटिक महासागर के पार जाने के लिए जैस्मिन हैरिसन को पंक्तिबद्ध करने के लिए 70 दिन 3 घंटे और 48 मिनट का समय लगा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान देने के लिए भारत और किस देश के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की है, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बोथ एएनसी या बोथ बीएनसी। जो आंसर सही था उसमें निधि उगाडे, सालू सिंह, प्रथम राठौर, मिहिर चंद्रा, सिद्धार्थ कुमार, कीर्ति सिंह, अश्विनी कुमार, रियाराज, सिद्धार्थ कुमार, तौसिफ खान, मिहिर चंद्रा। तो क्वेश्चन था कि विद विच कंट्री इंडिया हैज होल्ड ट्राइलेटरल डायलॉग विद अ फोकस ऑन फर्दर इनहेंसिंग कॉपरेशन इन द इंडो पैसिफिक, यानी कि भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ावे पर ध्यान देने के लिए भारत और किस देश के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की है। सुनील कुमार, ई नंबर निधि उगाड़े, ई नंबर प्रथम राठौर, ई तौसिफ खान, ई मिहिर चंद्रा, ई नंबर सिद्धार्थ कुमार, ई द फैक्ट, ई रिया राज, ई सालू सिंह, इंडिया फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया, सिन्ना मनोहर जी, ई नंबर द फैक्ट, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी और सी, बी और सी यानी कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। कई बार ये क्वेश्चन हम कराए हैं, यानी भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा देने पर वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर भारत फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई थी। इस त्रिपक्षीय वार्ता का उद्देश्य तीन देशों के बीच में एक मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एनजीओ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, यानी कि विश्व एनजीओ दिवस किस दिन मनाया जाता है। आंसर जो सही था उसमें प्रथम राठौर, अश्विनी कुमार, तौसिफ खान, रिया रास। थोड़ा फास्ट चलिएगा। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एनजीओ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, यानी कि विश्व एनजीओ दिवस किस दिन मनाया जाता है। आंसर जो सही है उसमें प्रथम राठौर, अश्विनी कुमार, तौसिफ खान, रिया राज, निधि उगाडे, सालू सिंह और अश्विनी कुमार, बी नंबर। वर्ल्ड एनजीओ डे, सिद्धार्थ कुमार सही है, तौसिफ खान बी नंबर, मीर चंद्रा बी, कृति सिंह बी, रिया राज बी नंबर, द फैक्ट 27 फरवरी, सालू सिंह 27 फरवरी, ऋषिकेश कुमार बी नंबर, सिद्धार्थ कुमार बी, अजीत यादव जी बी नंबर, सिन्ना मनोहर 27, प्रथम राठौर जी बी नंबर, मिस्टर आदित्य सरकार बी नंबर, मिहिर चंद्रा जी बी नंबर। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 27 फरवरी। यानी क्वेश्चन था कि वर्ल्ड एनजीओ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 27 फरवरी, यानी कि विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को दुनिया भर के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के साथ मनाने और सहयोग करने के लिए सालाना मनाया जाता है। दिन का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के लोगों को एनजीओ के साथ सक्रिय रूप से जोड़ने के लिए प्रेरित करना है। सालो सिंह, प्रथम राठौर, अश्विनी कुमार, या राज, मिस्टर आदित्य सरकार। द फैक्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज एड्रेस्ड द सिक्स्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस, यानी कि दवा और चिकित्सा उपकरणों पर 6वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया। फर्स्ट ऑप्शन है रमेश पोखरियाल, सेकेंड है प्रकाश जावड़ेकर, थर्ड है हर्षवर्धन, फोर्थ है अमित शाह एंड फिफ्थ है पीयूष गोयल। सही आंसर आ रहा है उसमें सालू सिंह, प्रथम राठौर, अश्विनी कुमार, रिया राज, मिस्टर आदित्य सरकार, द फैक्ट, तौसिफ खान, ऋषिकेश कुमार, सिद्धार्थ कुमार, कीर्ति सिंह। पीयूष गोयल ऑन 25 फरवरी, बहुत बढ़िया। अश्विनी कुमार ई नंबर, तौसिफ खान ई, प्रथम राठौर ई, सालू सिंह ई नंबर, रिया राज ई नंबर। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। ठीक, पीयूष गोयल ई नंबर, यानी कि फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 6वें संस्करण का उद्घाटन 25 फरवरी 2021 को केंद्रीय रेल मंत्री, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामलों और खाद्य सार्वजनिक वितरण वित्त मंत्री, ये पहले रामविलास पासवान जी के पास ये डिपार्टमेंट होता था, जो अभी पीयूष गोयल जी ने इसको एक्सेप्ट किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली विच यूनियन टेरिटरी, कितने लोगों का सही था आंसर। हाँ सिद्धार्थ, बहुत बड़ी खेल दिए हैं। देखो जो भी काम करो पूरा शिद्दत से करो, नहीं तो नहीं करो, मन लगा के करो जो भी करना है।
प्रथम राठौर, अश्विनी कुमार, सालू सिंह, रिया राज, तौसिफ खान, सिद्धार्थ कुमार, मिस्टर आदित्य सरकार। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, यानी कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश की सरकार अपने 6 महीने के भीतर किराए की कारों पर पूरे बेरे को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल देगी। यानी दिल्ली सरकार के सभी विभाग अब इलेक्ट्रिक वाहनों, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का इसका उपयोग करेंगे। ईवीएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन में इसको जो है ना कन्वर्ट कर दिया गया है। फैक्ट जी हाँ, लाल हाथे प्रताप राठौर, अश्विनी कुमार, सालू सिंह, रिया राज, तौसिफ खान, सिद्धार्थ कुमार, मिस्टर आदित्य सरकार। सालू सिंह ए, सिद्धार्थ कुमार प्रथम राठौर ए, अश्विनी कुमार ए, द फैक्ट ए, सिद्धार्थ कुमार ए, तौसिफ खान ए, रिया राज ए, स्मृति सिंह ए, सिद्धार्थ कुमार जी, चिन्ना मनोहर जी ए नंबर, मिस्टर आदित्य सरकार। बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी, पूरी शिद्दत से करना है, जो करना है अच्छे से करना है, मन से करना है, पढ़ाई लिखाई जो भी हो। प्रथम राठौर, कीर्ति सिंह, सालू सिंह, अश्विनी कुमार बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट एंड यूटी हैज लॉन्च द मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड कार्बन वॉच, यानी किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने कार्बन वॉच नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। जल्दी से आंसर बताइएगा इसका क्या होगा। क्वेश्चन है कि विच स्टेट एंड यूटी हैज लॉन्च द मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड कार्बन वॉच। प्रथम राठौर, कीर्ति सिंह, सालू सिंह, अश्विनी कुमार, तौसिफ खान, सिद्धार्थ कुमार। सालू सिंह ई नंबर, प्रथम राठौर ई, अश्विनी कुमार ई नंबर, रोशन राज ई नंबर, अनिमेश कुमार ई, सिद्धार्थ कुमार ई, तौसिफ खान ई नंबर, कीर्ति सिंह ई नंबर, द फैक्ट ई नंबर। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई नंबर, चंडीगढ़, ई नंबर चंडीगढ़। तो क्वेश्चन है किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने कार्बन वॉच नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वैसे चंडीगढ़ आंसर कितने लोगों ने दिया था आंसर बताना जरा। ठीक, कितने लोग आंसर आया था चंडीगढ़, मिस्टर आदित्य सरकार ई नंबर। सही आंसर है इस बार रोशन राज, प्रथम राठौर, अश्विनी कुमार, सालू सिंह, सिद्धार्थ कुमार, रिया राज, तौसिफ खान, सिद्धार्थ कुमार, द फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल पोलर बियर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, यानी कि राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस किस दिन मनाया जाता है। 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी, 1 मार्च एंड 2 मार्च। जो आंसर सही है उसमें रोशन राज, प्रथम राठौर, अश्विनी कुमार, सालू सिंह, सिद्धार्थ कुमार, रिया राज, तौसिफ खान, सिद्धार्थ कुमार, द फैक्ट, मिस्टर आदित्य सरकार। आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 27 फरवरी, यानी कि नेशनल पोलर बियर डे कब मनाते हैं हम लोग, 27 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे हर 27 फरवरी को ध्रुवीय भालू के संरक्षण स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेशनल पोलर बियर डे कब मनाते हम लोग, तो 27 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। पिछला क्वेश्चन का जो आंसर सही था उसमें आ रहे रोशन राज, अश्विनी कुमार, प्रथम राठौर, सिद्धार्थ कुमार, द फैक्ट, रिया राज, तौसिफ खान। रिया राज, तौसिफ खान, सालू सिंह। तो क्वेश्चन था कि नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। सालू सिंह, अनिमेश कुमार, मॉन्स्टर बी, सालू सिंह सी, रोशन राज जी बी नंबर, सिद्धार्थ कुमार बी, अश्विनी कुमार बी, रिया राज बी नंबर, प्रथम राठौर बी, तौसिफ खान बी नंबर। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 28 फरवरी। ट्वेंटी 8 फरवरी, बताइए कितने लोग आंसर था। जी, सालू सिंह भाई रहमान, इफेक्ट बहुत बढ़िया। मानसी धामा जी सी नंबर, कृति सिंह, अश्विनी कुमार, कितने लोगों ने सही आंसर दिया था, फटाफट हाथ उठाते जाना।
सिंह, अश्विनी कुमार, प्रथम राठौर, सिद्धार्थ कुमार। आज सेशन चलेगा 2 घंटे तक, कम से कम 2 से 3 घंटे। तो किसी को जाना नहीं है, अगर बीच में आपको भूख लग जाए, सोना हो, तो लेट करके भी पढ़ाई कर सकते हैं आप। यही तो फायदा ऑनलाइन स्टडी का, कान में आप ईयरफोन लगाइए और स्टार्ट हो जाइए। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन के उल्लेखनीय आविष्कार रमन इफेक्ट को याद करता है। इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। उस दिन के बाद सीवी रमन की महान खोज को याद करने के लिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्यूचर ऑफ एसटीआई, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क, नेशनल साइंस डे, साइंस फॉर द पीपल एंड द पीपुल फॉर द साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेयर डिजीज डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, दुर्लभ रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 फरवरी, 27, 28, 1 मार्च और 2 मार्च। फटाफट आंसर बताते जाइएगा सब लोग। तो आंसर सही है उसमें कीर्ति सिंह, अश्विनी कुमार, सिद्धार्थ कुमार, रोशन दास। द फैक्ट हाँ, लेट ना है, सो मत जाना सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ कुमार जी, एकदम सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। प्रथम राठौर जी, सी नंबर सिद्धार्थ कुमार, वी द फैक्ट, सी सालू सिंह। हाँ, ऑनलाइन ही ज्यादा अच्छा है, घर में बैठकर पढ़ाई करिए। रेयर डिजीज डे कब मनाते हैं आप लोग? तो बताया आपको कि इसका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। 28 फरवरी यानी कि दुर्लभ रोग दिवस प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंतिम दिन होता है। दुर्लभ रोग दिवस का मुख्य उद्देश्य आम जनता और निर्णायक कर्ताओं के बीच दुर्लभ बीमारियों और मरीजों के जीवन प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो रेयर डिजीज डे कब मनाएंगे हम लोग? 28 फरवरी। बताइएगा कितने लोग आंसर आने वाला है, कितने लोग आंसर था 28 फरवरी। बिल्कुल, पूरा इंडिया डिजिटल मोड में चला गया है। फैक्ट आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मानसी धामा जी, बी नंबर, सुनी कुमार, प्रथम राठौर, रिया राज। द फैक्ट रिया राज। इसका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी, यानी कि दुर्लभ रोग दिवस प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंतिम दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया ऑब्जर्व सेकेंड प्रोटीन डे ऑन विच डे, भारत ने किस दिन दूसरा प्रोटीन दिवस मनाया? मानसी धामा, बी नंबर, सुनी कुमार सही थे, प्रथम राठौर, रिया राज। द फैक्ट रिया राज, सिद्धार्थ कुमार सही है। क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर है कि इंडिया ऑब्जर्व सेकेंड प्रोटीन डे ऑन विच डे, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारत ने किस दिन दूसरा प्रोटीन दिवस मनाया? प्रथम राठौर, द फैक्ट रिया राज, सिद्धार्थ कुमार, रोशन राज। गलत हो गया। बहुत बढ़िया सालू सिंह जी, इसका थीम भी इनको याद है, पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। बहुत अच्छा। सुनी कुमार, रोशन राज, प्रथम राठौर, रोशन, अब सुनी कुमार, सी नंबर, रोशन राज, सी, प्रथम राठौर, सी, रिया राज, बी नंबर, सिद्धार्थ कुमार, बी। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 27 फरवरी। 27 फरवरी यानी कि भारत में 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि प्रोटीन की कमी के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा की जा सके और लोगों को अपने भोजन में माइक्रो न्यूट्रिएंट को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। राइट टू प्रोटीन द्वारा दिन की शुरुआत की गई थी 27 फरवरी 2020। ठीक, इसका आंसर जो है 27 फरवरी। कितने लोग आंसर था? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट एंड चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स, यानी कि नए राष्ट्रपति और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डीके जैन, निरंजन बनोडकर, शरद गोकलानी, एस एस मल्लिकार्जुन राव और चरणजीत आत्रा। कृति सिंह, बी नंबर, अश्विनी कुमार, बी अनामिका पाठक, बी रिया राज, बी सिद्धार्थ कुमार, सालू सिंह, अश्विनी कुमार, कृति सिंह, सालू सिंह, सी नंबर। तो क्वेश्चन था कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट एंड चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स, यानी कि नए राष्ट्रपति और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी सीटीओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शरद गोकलानी। शरद गोकलानी। कितने लोगों ने आंसर दिया? सी नंबर, यानी कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक शरद गोकलानी को अपना नया अध्यक्ष और सीटीओ नामित किया है। गोकलानी पहले ईवीपी और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में
इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़े थे। सालू सिंह सी, अश्विनी कुमार सी, रोशन राज सी, प्रथम राठौर सी, रिया राज सी, सिद्धार्थ कुमार सी, अनामिका पाठक सी, नम्र कृति सिंह सी, रोशन राज, प्रथम राठौर, अश्विनी कुमार, रिया राज। इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो शरद गोकलानी। ठीक, शरद गोकलानी। कितने लोग आंसर था? रोशन राज, प्रथम राठौर, अश्विनी कुमार, रिया राज, सिद्धार्थ कुमार, सालू सिंह। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूसुफ पठान ने खेल के सभी प्रारूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा की, वो किस खेल से संबंधित है? लोग, बोनस क्वेश्चन आपको मिल गया, जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मॉन्स्टर बी, प्रथम राठौर बी, सालू सिंह बी, देवांशु वर्मा बी, द फैक्ट बी, सिद्धार्थ कुमार बी, अश्विनी कुमार बी, रोशन राज बी, रिया राज बी। तो यूसुफ पठान ने कि अपने खेल के सभी प्रारूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। यानी कि यूसुफ पठान ने खेल के सभी प्रारूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा की, उन्होंने 2007 और 2012 के बीच भारत के लिए 57 एक दिवसीय और 22 T20 इंटरनेशनल खेले हैं। 2007 में T20 विश्व कप के साथ 2011 एक दिवसीय विश्व कप का भी हिस्सा थे और दोनों भारतीय टीम ने जीते हैं। तो आंसर कितने लोगों का सही था? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर विनय कुमार हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ हिज स्पोर्ट्स, ही बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? क्वेश्चन है कि आर विनय कुमार ने अपने खेल के सभी प्रारूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है? तो आंसर सही था उसमें अनामिका पाठक, प्रथम राठौर, अश्विनी कुमार, रिया राज, रोशन राज, द फैक्ट, सालू सिंह, सिद्धार्थ कुमार, सत्या पांडा, देवांशु वर्मा, मॉन्स्टर। मॉन्स्टर ई नंबर, सत्या पांडा जी ई नंबर, सालू सिंह ई, अश्विनी कुमार, प्रथम राठौर ई नंबर, अश्विनी कुमार ई नंबर, देवांशु वर्मा ई, सिद्धार्थ कुमार ई, रोशन राज ई, द फैक्ट ई, रिया राज ई नंबर, अनामिका पाठक ई, मॉन्स्टर बॉलर। बहुत बढ़िया, रोशन दास। इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। आर विनय कुमार और यूसुफ पठान दोनों क्रिकेट से थे। बहुत आसान क्वेश्चन था, यानी ई नंबर आंसर कितने लोगों ने दिया तो बताना जरा सर। यहाँ जो सही आंसर आया उसमें रोशन राज, प्रथम राठौर, अश्विनी कुमार, सिद्धार्थ कुमार, रिया राज, देवांशु वर्मा, द फैक्ट। इसका आंसर क्या हो गया? क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हु हैज इनॉग्रेटेड द इंडिया टॉय फेयर 2021? क्वेश्चन था कि हु हैज इनॉग्रेटेड द इंडिया टॉय फेयर 2021? यहां पर जो आंसर दिए हैं उसमें देवांशु वर्मा बी, सत्या पांडा जी ई नंबर, अश्विनी कुमार बी, अश्विनी कुमार बी, सिद्धार्थ कुमार। सिद्धार्थ कुमार जी, आप कहाँ का क्वेश्चन कहाँ पूछ देते, पता ही नहीं चल रहा।
रोशन दास बी, नंबर द फैक्ट बी, प्रथम राठौर बी, सिद्धार्थ कुमार बी, रिया राज बी, कृति सिंह बी, शिवानी गुप्ता जी बी, नंबर अनामिका पाठक बी, सालू सिंह जी, मोदी जी ऑन 27 फरवरी। इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक खिलौना का उद्घाटन किया है जो कि बिल्कुल इको फ्रेंडली होगा। इकोलॉजी एंड साइकोलॉजी दोनों चीजों पर जो है ये रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज टाइड अप विद जेपी मॉर्गेन टू यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए जेपी मॉर्गेन के साथ किस बैंक ने समझौता किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, आंसर क्या होगा? सालू सिंह SBI, अश्विनी कुमार ए, देवांशु वर्मा जी सी नंबर, सिद्धार्थ कुमार ए, मॉन्स्टर ए, सत्या पांडा ए, प्रथम राठौर ए, रिया राज ए, शिवानी गुप्ता सी नंबर। क्या हुआ देवांशु, गलत हो गया क्या? शिवानी गुप्ता जी, HDFC, अनामिका पाठक सी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जेपी मॉर्गेन के साथ जो है समझौता किया है, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, याद रखना, ने विदेशी लेन देन को गति लेने के बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अमेरिका स्थित जेपी मॉर्गेन के साथ समझौता किया है। SBI के ब्लॉकचेन उपयोग से ग्राहकों की लेन देन और लागत भुगतान में आने वाली समय की कमी को उम्मीद है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, हेडक्वार्टर है मुंबई, CEO है दिनेश कुमार खरात, CFO चरणजीत आत्रा। आपको शायद साइड वाला नहीं दिख रहा होगा, मैं कुछ करता हूं इसके लिए। अब दिख रहा है शायद। पीएनबी की बात करें तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, सीईओ है यहाँ पर SS मल्लिकार्जुन राव, CFO है PK जैन, टैगलाइन से द नेम यू कैन बैंक अपॉन। HDFC बैंक की बात करें अगर हम, तो मुंबई हेडक्वार्टर शशिधर जगदीशन, CFO है श्रीनिवासन वैद्यनाथन, और टैगलाइन से वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। यस बैंक की बात करें हेडक्वार्टर मुंबई, CEO है प्रशांत कुमार, CFO है यहाँ पर निरंजन बनोडकर, और एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज इसका टैगलाइन है। ICICI बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर का है मुंबई, CEO है यहाँ पर संदीप बख्शी, और CFO है रघु वैष्णव, और टैगलाइन से हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स FMCBG मीटिंग? बहुत बढ़िया, जो आंसर सही है उसमें है प्रथम राठौर, अश्विनी कुमार, सालू सिंह, रिया राज, अनामिका पाठक, सिद्धार्थ कुमार, प्रथम राठौर, सिद्धार्थ कुमार द फैक्ट। क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग, आंसर क्या होगा? प्रथम G20 वित्त मंत्रियों की सेंट्रल बैंक गवर्नर्स FMCBG की बैठक में किसने भाग लिया? यहां जो आंसर आ रहा है उसमें सालू सिंह सी नंबर, अश्विनी कुमार सी, प्रथम राठौर सी, सिद्धार्थ कुमार सी नंबर, सत्या पांडा जी सी नंबर, रिया राज सी, देवांशु वर्मा सी, रंजीत कुमार सी, शिवानी गुप्ता सी, सिन्हा मनोहर NS, NS मतलब क्या होता है, निर्मला सीतारमण, नहीं, हाँ, इसका आंसर थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, अब ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण, ये गलत है, शक्तिकांत दास नहीं होगा, यानी कि केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने परिवर्तनकारी और न्याय संगत वसूली के लिए नीतिगत कार्रवाइयों पर चर्चा करने के लिए इतालवी प्रेसिडेंसी के तहत पहले G20 वित्त मंत्रियों के सेंट्रल बैंक गवर्नर्स FMCBG की
में भाग लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम ए यूनाइटेड नेशंस गुडविल एम्बेसडर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन था, हु हैज बिकम ए यूनाइटेड नेशंस गुडविल एम्बेसडर, बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र के सद्भावना दूत कौन बने हैं, मिरांडा केर, एंटोनियो एरोनॉल्ट, मैक्सिमम एरोनॉल्ट और बर्नार्ड एरोनॉल्ट, नटालिया वादिया नोवा, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अरे भाई हम यही हैं, भागे नहीं है। क्वेश्चन है कि हु हैज बिकम द यूनाइटेड नेशंस गुडविल एम्बेसडर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सालू सिंह ई, रिया राज ई, नंबर सुनी कुमार ई, प्रथम राठौर ई, नंबर सिन्ना मनोहर नतालिया, द फैक्ट ई, नंबर सत्या पांडा ई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नतालिया वादिया नोबा, यानी कि रूसी सुपर मॉडल और परोपकारी नतालिया वाडियानोवा बुधवार को संयुक्त राष्ट्र की सद्भावना दूत बन गई है, महिलाओं और लड़कियों के यौन प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट 2020 एंड 21 एडिशन ऑफ इंडियन वुमेन्स लीग विल हेल्ड, यानी कि भारतीय महिला लीग का 2020-21 का संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अनामिका पाठक जी फ्रेश होकर आ गए। अब आंसर पर ध्यान दीजिए, अश्विनी कुमार, सालू सिंह, रिया राज, प्रथम राठौर। क्वेश्चन था कि इन विच स्टेट द 2020 एंड 21 एडिशन ऑफ इंडियन वुमेन्स लीग विल हेल्ड, यानी कि भारतीय महिला लीग का 2020-21 का संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, बताना सब लोग आंसर क्या होगा। सुनी कुमार, सालू सिंह, रिया राज, प्रथम राठौर, सत्या पांडा, अनामिका पाठक जी, अश्विनी कुमार, अनामिका पाठक, सिन्ना मनोहर, अश्विनी कुमार, प्रथम राठौर, सालू सिंह, सत्या, ओडिशा। बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओडिशा, यानी कि भारतीय महिला लीग इंडियन वुमेन्स लीग की आगामी संस्करण की मेजबानी की जा रही है, जिसकी पुष्टि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने की। यह IWL का 5वां संस्करण है, जो भारत की शीर्ष श्रेणी की महिला लीग है। ओडिशा की बात करें, कैपिटल भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु टुक द चार्ज, हु टुक चार्ज फॉर एज द फ्लैग ऑफिसर्स कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड, यानी कि पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर्स कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। आंसर जो सही था उसमें रिया राज, सालू सिंह, अश्विनी कुमार, प्रथम राठौर, अनामिका पाठक, ADAV, कैसा नाम है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि हु टुक द चार्ज एज द फ्लैग ऑफिसर्स कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड, यानी कि पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर्स कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। राकेश कुमार सिंह भदौरिया, वीरेंद्र सिंह धनोआ,
या आर हरि कुमार और करमबीर सिंह, हरीश हरजीत सिंह अरोरा, सुनील कुमार सी नंबर, रवि रेणुका सी नंबर, सत्या पांडा जी सी नंबर। अब तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा आपका जो भी अपना टेलीग्राम फेसबुक व्हाट्सएप जो भी ग्रुप होगा। चिन्ना मनोहर जी कन्वर, सालू सिंह सी, प्रथम राठौर जी सी नंबर। यही तो क्वेश्चन है कि टॉप चैट में 19 लोग हैं लेकिन आंसर नहीं दे रहे। आंसर सब लोग दो, देखो सही हो गलत हो जो भी हो आंसर दिया करो। आंसर नहीं देंगे तो कैसे होगा। पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर्स कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है आपको बता दें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर, आर हरि कुमार। कोई बात नहीं, कुछ लोग सीख भी रहे हैं, नए हैं। सताक्षी केसरी जी वेरी गुड इवनिंग, अनामिका पाठक जी वेरी गुड इवनिंग। इसका आंसर हो जाएगा आर हरि कुमार, यानी कि वाइस एडमिरल आर हरि कुमार ने वेस्टर्न नेवल कमांड के मुख्यालय कमांड पोस्ट में एक समारोह में श्री अजीत कुमार के पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर्स कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है जी, अश्विनी कुमार जी बिल्कुल सही। सभी सिंह जी वेरी गुड इवनिंग, अनामिका पाठक जी गुड इवनिंग, देवांशु वर्मा जी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल देवांशु, सीखना है, अगर आंसर नहीं पता हो तो सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हु हैज वॉन द सिल्वर मेडल एट द 72nd स्ट्रेंटजा मेमोरियल टूर्नामेंट इन सोफिया बुल्गारिया, यानी कि सोफिया बुल्गारिया में 72 में स्ट्रेंटजा मेमोरियल टूर्नामेंट में किसने रजत पदक जीता है बताइएगा। सिल्वर मेडल, पहला ऑप्शन है एल देवेंद्र सिंह, सेकेंड ऑप्शन है दीपक कुमार, थर्ड है शिवा थापा, फोर्थ है विकास कृष्णा यादव, चौथा है गौरव भीतुरी। बताइएगा आंसर क्या होगा। थोड़ा स्पीड में चलो सब लोग, बहुत सारा क्वेश्चन आज कराना है। और आपको बता दें कि आज 12-1 बजे तक सेशन चलेगी, जब तक आप लोग रहेंगे तब तक आज क्लासेस चलेंगी और पूरा मंथ खत्म कर लेना हम लोग को आज। अगर हम आज फरवरी खत्म कर लेंगे तो कल जो है वो सॉरी जनवरी फरवरी और मार्च, अगर आज आधा भी फरवरी हो जाता और पूरा मार्च, तो कल दिसंबर और जनवरी पे फोकस किया जाएगा। सताक्षी केसरी जी बी नंबर, रिया राज बी, प्रथम राठौर बी, सत्या पांडा जी बी नंबर, सिन्हा मनोहर दीपक सालू सिंह जी बी नंबर। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर दीपक कुमार, बी नंबर दीपक कुमार। बताइएगा कितने लोगों ने आंसर दिया था बी नंबर दीपक कुमार, यानी कि बॉक्सिंग में दीपक कुमार 52 किलोग्राम ने सोफिया बुल्गारिया में 72 में स्टेंटजा मेमोरियल टूर्नामेंट में रजत पदक जीता। पुरुषों के फ्लाईवेट में बुल्गारिया के डेनियल एसोनोव के खिलाफ विभाजन के फैसले में अंतिम फेस ऑफ से हार गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज अपॉइंटेड, कितने लोगों का सही था यह आंसर बताना जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, आज 12-1 बजे तक सेशन चलेगा, कोई सोएगा नहीं। अगर भूख लगी है तो आप खाना खाते हुए तब पढ़ाई करिए, कान में ईयरफोन हेडफोन लगाइए, शुरू हो जाइए। यानी क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीएमडी ऑफ कैनरा बैंक। मैं तो ऐसे 1 बजे से पहले सोता नहीं हूँ, 1-2 बजे तक। देखते हैं आज आप कितनी रात तक पढ़ाई कर पाते हैं। आंसर जो सही था उसमें सालू सिंह, रिया राज, सुनील कुमार, प्रथम राठौर, सत्या पांडा। यानी क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीएमडी ऑफ कैनरा बैंक, यानी कैनरा बैंक के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बताइएगा।
एन मनोहरम या एम रावत, बी रामचंद्रन, नलिन गिन्नेगी, चंद्र प्रकाश, मातम वेंकटा राव। देखिए अगर आज नेट खत्म हो जाए किसी का तो अपने घर के गार्जियन में किसी भी मोबाइल से ले लीजिएगा टीथरिंग, ये तो फ्री क्लासेस है, आप चाहें तो जहां कहीं से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीएमडी ऑफ कैनरा बैंक। सत्या पांडा जी, बी नंबर अश्विनी कुमार, ई नंबर सताक्षी केसरी, ए नंबर सालू सिंह, ए चिन्ना मनोहर चंद्रा, अनिमेश कुमार, ए नंबर प्रथम राठौर, ए नीला मारिया जी, वेरी गुड इवनिंग, सिद्धार्थ कुमार, ए रिया राज, ए नंबर। आपको बता दें इसका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मैटम वेंकटा राव, मैटम वेंकटा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, 39th अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर हैज बिगन इन विच सिटी, यानी कि 39वें अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की शुरुआत किस शहर में हुई है, इम्फाल, ऐजवाल, शिलोंग, अगरतला और गुवाहाटी। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पूजा सिंह, वेरी गुड इवनिंग। शिवानी गुप्ता जी, बी नंबर। सिद्धार्थ कुमार, ए रिया राज, ए नंबर। सबका गलत हो गया सुनी को छोड़ करके, चलिए कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर जो देखो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, आप देखिए तो अगरतला, अगरतला कहाँ है, तो अगरतला में ही लगेगा बुक फेयर। ठीक, तो आंसर नंबर डी कितने लोगों ने दिया था, जल्दी से बताना डी नंबर आंसर कितने लोगों ने दिया था, डी नंबर हैंड रेज करिएगा जल्दी से। जो आंसर सही है उसमें सिद्धार्थ कुमार, सालू सिंह, सताक्षी केसरी, रिया राज, अश्विनी कुमार, प्रथम राठौर, अनामिका पाठक, सताक्षी केसरी जी। बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या है, तो अगरतला, यानी कि त्रिपुरा में, अगर त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा विषय के साथ 39वें अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की शुरुआत हुई है, राज्य में मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव ने। बांग्लादेश के असिस्टेंट हाई कमिश्नर मोहम्मद अयूब हुसैन और अन्य राज्य कैबिनेट मंत्रियों के विधायकों को मंजूरी में मेले का उद्घाटन किया। त्रिपुरा की बात करें तो कैप्टन अगरतला, चीफ मिनिस्टर बिप्लव कुमार देव और गवर्नर कौन है, तो रमेश बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज रोट द बुक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, यानी कि एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसने लिखी है, फटाफट आंसर बताते जाना। सताक्षी केसरी जी भी सही है, सिद्धार्थ कुमार जी नेट खत्म हो गया, ये सब नहीं चलेगा आज, अब टीथरिंग ले लीजिए, हॉट स्पॉट ले लीजिए किसी का, घर में किसी सदस्य का मोबाइल ले लीजिए, फ्री क्लासेस है तो आपको करना पड़ेगा आज क्लास। यानी क्वेश्चन है कि हु हैज रोट द बुक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, अश्विनी कुमार, ई नंबर प्रथम राठौर, ई सालू सिंह, ई सताक्षी केसरी, ई रिया राज, ई नंबर सत्या पांडा, ई नंबर अनिमेश कुमार, ई हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल
अनामिका पाठक जी ई नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर है अनिंद्या दत्ता, ई नंबर। बताइएगा अनिंद्या दत्ता, कितने लोगों ने आंसर दिया था? अनिंद्या दत्ता कितने लोगों ने आंसर दिया था, यानी लेखक अनिंद्या दत्ता। हमें भारतीय टेनिस की एक बेहद रोमांचक यात्रा के माध्यम से 1885 से लेकर जब तक भारत में एक टूर्नामेंट पंजाब लॉन टेनिस चैंपियनशिप विंबलडन में पहली चैंपियनशिप के 7 साल बाद आयोजित किया गया था। देवांशु वर्मा जी उनका पाठक डी नंबर। सुनील कुमार होली बिल्कुल अच्छी रही है, देखिए आप होली कैसी रही है हमारी। सालू सिंह जी आंसर सही है, प्रथम राठौर। कोई भी फेस्टिवल हो ना एकदम मन से मनाओ, कहते हैं ना सारे सब कुछ को एकदम शिद्दत से करो कि सारी कायनात जो है ना वो आपको मिलाने को लग जाती है। यानी कहने का मीनिंग है कि तैयारी ऐसे करिए कि रिजल्ट तो होगा ही, ये सोचना ही नहीं कि नहीं होगा, कोई चीज होगी। सालू सिंह, प्रथम राठौर, शताक्षी केसरी, सत्या पांडा, रिया राज, हारना नहीं है कभी भी जिंदगी में। लेखक अनिंदम दत्ता हमें भारतीय टेनिस की एक बेहद रोमांचक यात्रा के माध्यम से 1885 से लेकर जब भारत एक में वन टूर्नामेंट पंजाब लॉन टेनिस चैंपियनशिप विंबलडन चैंपियनशिप के 7 साल बाद आयोजित किया गया। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, तो अनिंद्या दत्ता। यानी कि जो इसमें आ रहे हैं अनिमेश कुमार, देवांशु वर्मा, शताक्षी केसरी, सालू सिंह, प्रथम राठौर, शताक्षी केसरी, सत्या पांडा, रिया राज, अश्विनी कुमार और तन से भी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो बैठना तो पड़ेगा ना सुनी, पढ़ने के लिए तन भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज इनॉग्रेटेड द मैरी टाइम इंडिया समिट 2021। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैरी टाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किसने किया? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, एम वेंकैया नायडू और राजनाथ सिंह। क्वेश्चन था कि मैरी टाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किसने किया, आपको बता दें। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर नरेंद्र मोदी, बी नंबर नरेंद्र मोदी। यानी कि प्रधानमंत्री ने 2030 में सामुद्रिक दृष्टि से ई बुक लॉन्च की, जिसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों के शीर्ष वैश्विक बेंचमार्क के साथ भारतीय समुद्री उद्योग को बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किए हैं। इसका जो सही सही आंसर आया है, हैंड रेज करना जरा सा, कितने लोगों ने सही आंसर दिया था। प्रियंका कुमारी, अश्विनी कुमार, रिया राज, सालू सिंह, प्रथम राठौर। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज लॉन्च द व्हीकल C-51 PSLV C-51 रॉकेट? किस देश ने वाहन C-51 PSLV C-51 रॉकेट लॉन्च किए? बिल्कुल बताइएगा क्वेश्चन का आंसर, फटाफट आंसर देते जाओ सब लोग। देवांशु वर्मा, सत्या पांडा। क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज लॉन्च द व्हीकल C-51 PSLV C-51 रॉकेट? यानी किस देश ने वाहन C-51 PSLV C-51 रॉकेट लॉन्च किया? इंडिया, यूएसए, रसिया, ब्राजील और यूके।
अरे यहाँ पर पोल समरी में अश्विनी कुमार ए नंबर, प्रथम राठौर ए, रवि रेणुका डी नंबर, रिया राज ए नंबर, प्रियंका कुमारी ए, अनामिका पाठक ए, सिन्हा मनोहर जी डी नंबर। रिया राज ए, प्रियंका कुमारी ए, अनामिका पाठक ए, सिन्हा मनोहर डी, सालू सिंह ए, सत्या पांडा ए, सिन्हा मनोहर ए नंबर। आपको बता दी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्राजील। ठीक, तो बताया ना ब्राजील, कितने लोगों ने आंसर दिया था? इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो ब्राजील, यानी कि भारत में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स व्हीकल C-51 रॉकेट को ब्राजील, अमेरिका ने भारत और के 19 उपग्रहों में भरा गया है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज रिसेंटली, डेवलप्ड ए सैटेलाइट नेम्ड सिंधु नेत्रा, यानी कि हाल ही में सिंधु नेत्रा नामक एक उपग्रह किसने विकसित किया है? इसरो, DRDO, इंडियन आर्मी, IIT मुंबई, IIT गुवाहाटी। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? किसी ने आंसर सही नहीं दिया था। चलिए कोई बात नहीं, एक आपका गलत हुआ सुनील कुमार जी। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड ए सैटेलाइट क्वेश्चन है कि हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड ए सैटेलाइट नेम्ड सिंधु नेत्रा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड, इसका आंसर DRDO है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु विल बी रिसीव द सेरा विक ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड। आंसर जो तो सही था उसमें अश्विनी कुमार, रिया राज, सालू सिंह, प्रथम राठौर। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हु हैज इनॉग्रेटेड द सरस आजीविका मेला इन 2021 एट नोएडा हाट, यानी कि नोएडा हाट में 2021 के सरस मेले आजीविका का उद्घाटन किसने किया? क्वेश्चन है हु हैज इनॉग्रेटेड सरस आजीविका मेला इन 2021 एट नोएडा हाट, नोएडा हाट में 2021 के सरस आजीविके मेला का उद्घाटन किसने किया?
आपको बता दूं इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। डी नंबर आंसर कितने लोगों ने दिया था, जल्दी से बताना। डी नंबर आंसर कितने लोगों ने दिया है? सुनी कुमार, अभी रेणुका, नामिका पाठक, रिया राज, प्रथम राठौर, सालू सिंह। जितने लोग टॉप चैट में है ना, आंसर दीजिए सब लोग। नामका पाठक डी नंबर, रिया राज डी, प्रथम राठौर डी, सालू सिंह डी, नामका पाठक डी, सुनी कुमार, सालू सिंह, रिया राज, प्रथम राठौर, बिल्कुल सही है, नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट आर्टिका एम, यानी किस देश ने सफलतापूर्वक अपना पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्टिका एम लॉन्च किया है? सुनी कुमार, सालू सिंह, रिया राज, प्रथम राठौर, नामिका पाठक। अपने सारे ग्रुप में इन्फॉर्म कर दो, क्लास चल रही है, लिंक को शेयर कर दीजिए जिस सब लोग, जिससे कि मैक्सिमम लोग आ सकें लाइव। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट आर्कटिका एम, यानी किस देश ने सफलतापूर्वक अपना पहला आर्कटिका निगरानी उपग्रह एम लॉन्च किया है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रसिया। ई नंबर आंसर कितने लोगों ने दिया है? रसिया। सही आंसर है उसमें सालू सिंह, अश्विनी कुमार, नामिका पाठक, रिया राज, प्रथम राठौर और सत्य पांडे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रसिया, यानी कि रूस ने क्षेत्र में देश की गतिविधियों को विस्तार करने के लिए क्रेमलिन द्वारा एक धक्का के बीच आर्टिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए एक मिशन अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका एम का शुभारंभ किया है। जो आंसर सही है उसमें है सालू सिंह, अश्विनी कुमार, अनामिका पाठक, रिया राज, प्रथम राठौर, सत्या पांडा। सुनी कुमार जी, आपके साथ जितने लोग हैं सबको जो है सेशन का शेयर कर दीजिएगा लिंक। रसिया मॉस्को कैपिटल है, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, करेंसी है रूबल, कॉन्टिनेंट है यूरोप एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हु हैज वॉन द यूक्रेन रेसलर्स एंड कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट, यानी कि यूक्रेनी पहलवान और कोच मेमोरियल टूर्नामेंट किसने जीता है? क्वेश्चन है कि हु हैज वन द यूक्रेनी रेसलर्स एंड कोचेस मेमोरियल। सुनी कुमार सी नंबर, रिया राज सी, रवि रेणुका सी, प्रथम राठौर सी, सालू सिंह जी नहीं जानते हैं।
इसका आंसर है बिनेश फोगाट। आप देखे होंगे बहुत बार ये न्यूज में आते हैं। देखो सबसे बढ़िया उपाय हम बताते हैं करंट अफेयर्स पढ़ने का, ठीक, जितने न्यूज चैनल हैं उस सब न्यूज चैनल का फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जिसका जो अपना ऐप है या उसका जो पेज है उसको लाइक कर दो बस। ये सारा जो है आपको अपने आप दिखेगा। विनेश फोगाट जी अगर कोई टूर्नामेंट जीतते हैं या मेडल लाते हैं तो अपने आप दिख जाएगा, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सोशल मीडिया से सब लोग जुड़े ही हैं, तो आप जिस किसी भी सोशल मीडिया पर, चाहे ट्विटर यूज, सबसे बढ़िया ट्विटर है लेकिन यूज़ कर रहे हो तो, और इंस्टाग्राम तो फोटो फाटो के लिए होता है उतना, फेसबुक जो है उस पर क्या करिए, किसी न्यूज़ चैनल का पेज को जो है बस लाइक करके छोड़ दीजिए, आपको अपने आप न्यूज़ मिलता रहेगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिनेश फोगाट, यानी कि स्टार पहलवान बिनेश फोगाट ने बेलारूस यूक्रेन में उत्कृष्ट कांस्य पदक विजेता टूर्नामेंट में 53 किलोग्राम की फ्री स्टाइल खिताब जीतने के लिए यूरोपीय कांस्य पदक विजेता विनस कलान जिसकिया, नाम कुछ ऐसा ही है, तो 10-8 से हरा दिया, यही है विनेश फोगाट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन, लो बोनस क्वेश्चन आपको मिल गया। विच क्रिकेट प्लेयर बिकम द फर्स्ट टू हिट 100 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। अभी मैं इंस्टाग्राम की चर्चा कर रहा था, ये लोग इतने ज्यादा फेमस हो गए कि एक फोटो डालते हैं और लाख लाख रुपए अर्निंग हो जाता है। आप लोग भी अपना फॉलोअर्स बढ़ाइए, ले जाइए 100 मिलियन में। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स को मारने वाला पहला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बना है? एमएस धोनी, विराट कोहली, आंसर आ रहा है सत्या पांडा, डी नंबर, रिया राज, प्रथम राठौर, सुनी कुमार सही थे पिछले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का आंसर दिया सुनी कुमार, बी प्रथम राठौर, बी छवि सिंह जी, बी नंबर, सालू सिंह जी, बी नंबर, रवि रेणुका जी, बी नंबर, सिन्हा मनोहर जी, कोहली, रिया राज, बी नंबर, सत्या पांडा, बी अनामिका पाठक, विराट कोहली, बहुत शॉर्ट में लिखे अनामिका पाठक जी, बी के सत्या पांडा जी, कोहली भाई, चलिए बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन था कि विच क्रिकेट प्लेयर बिकम द फर्स्ट टू हिट 100 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। आप लोग भी अपना फॉलोअर्स बढ़ाइए, एक फोटो डालिए और लाखों का लाख जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक, अपने आप जो है वो आपको एडवर्टीजमेंट मिलने लगेगा जहां फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो विराट कोहली द फर्स्ट क्रिकेट स्टार टू हिट 100 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड जन औषधि दिवस 2021 वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम विच डेट। यानी क्वेश्चन है कि तीसरा जन आयुषी दिवस 2021 सप्ताह कब मनाया जाता है, बताइएगा। पहला ऑप्शन है कि 14 फरवरी से 20 फरवरी, दूसरा 21 फरवरी से 27 फरवरी, तीसरा 28 फरवरी से 6 मार्च, चौथा है 1 मार्च टू 7 मार्च, एंड पांचवा नन ऑफ दिस। क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है द थर्ड जन औषधि दिवस 2021 वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट।
इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1st मार्च टू 7th मार्च, रवि रेणुका डी नंबर, अश्विनी कुमार डी, रिया राज डी, अनामिका पाठक डी, प्रथम राठौर डी। का जो सही आंसर है उसमें आ रहा है नाम का पाठक, रिया राज, अश्विनी कुमार और प्रथम राठौर। यानी कि यह एक सप्ताह है जो 1 मार्च से शुरू किया गया था और यह 7 मार्च 2021 तक जारी रहेगा, जिसमें जन औषधि केंद्रों पर स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, अनामिका पाठक, रिया राज, अश्विनी कुमार, प्रथम राठौर, रवि रेणुका, प्रथम राठौर ए, अश्विनी कुमार ए। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा 1st मार्च। फर्स्ट मार्च कितने लोगों ने आंसर दिया था, रवि रेणुका ए, प्रथम राठौर या सुनील कुमार ए, अनामिका पाठक ए नंबर। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1st मार्च को मनाया जाता है और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2021 का उद्देश्य आय, लिंग, आयु, स्वास्थ्य और स्थिति, व्यवसाय, विकलांगता, यौन अभिविन्यास, नशीली दवाओं के उपयोग, लिंग पहचान, जाति, वर्ग, जातीयता, धर्म के आसपास की असमानताओं को समाप्त करने के लिए त्वरित कार्रवाई को उजागर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। आंसर अनामिका पाठक, प्रथम राठौर, अश्विनी कुमार, ऋषिकेश कुमार ए, रवि रेणुका ए, प्रथम राठौर ए नंबर। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा 1st मार्च। यानी कि इस बार का थीम क्या था, सिविल डिफेंस एंड द फर्स्ट एडर इन एवरी होम। थीम वॉज लॉन्च्ड बाय शोइंग ए फिल्म दैट रिवील्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग ए सेफ्टी कल्चर एट होम। यानी कि नागरिक सुरक्षा और संस्कृति यह जिसको लेकर के ये बनाया गया है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। हमारे देश में कल्चर को जो है ना हमेशा फोकस किया जाता है, ठीक, यानी कि उसके परे जो है बहुत सारी चीज़ों में नहीं जा सकते हम। तो हमारे देश की जो अपनी संस्कृति है उसको ध्यान में रखते हुए यह विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस बनाया गया है, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हियरिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, विश्व श्रवण दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए आंसर का इसका क्या होगा। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हियरिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, यानी कि विश्व श्रवण दिवस किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड हियरिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, विश्व श्रवण दिवस किस दिन मनाया जाता है, आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा 3 मार्च, यानी कि दुनिया में हर साल 3 मार्च को विश्व वर्ल्ड हियरिंग डे यानी विश्व सुनवाई दिवस मनाई जाती है। सौम्या कुमारी जी सी नंबर, सुनील कुमार सी, ऋषिकेश कुमार सी। 2 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, 2 मिनट रुक जाइएगा आप लोग। क्वेश्चन था कि वर्ल्ड हियरिंग डे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, बताइएगा क्वेश्चन का आंसर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, बताइएगा आंसर क्या होगा, 1 मार्च, 2 मार्च, 3rd, 4th और 5th मार्च। 1 मार्च, 2nd, 3rd, 4th और 5th मार्च। निधि उगाडे जी 4th मार्च, रवि रेणुका सी नंबर। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, निधि उगाटे 4th मार्च, रवि रेणुका सी नंबर, प्रथम राठौर सी, आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3rd मार्च, 4th नहीं होगा, ठीक, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो 3rd मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी अनगिनत प्रजातियों का घर है, वन्य जीव पर्यावरण को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह पारिस्थितिकी तंत्र रेगिस्तान वर्षा वन मैदान और अन्य क्षेत्रों में पाया जा सकता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे
2021 का थीम है इस बार फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाते हैं हम लोग? 3rd मार्च को, 23rd नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनप्रीत बोहरा हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमीशन टू विच कंट्री, यानी कि मनप्रीत बोहरा को भारत का अगला उच्च आयोग नियुक्त किया गया है, कहाँ के लिए? यूएसए, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा रवि रेणुका सी नंबर प्रथम राठौर सी, रवि रेणुका डी नंबर निधि उगाडे ऑस्ट्रेलिया। यानी क्वेश्चन है कि मनप्रीत बोहरा हैज बीन अपॉइंटेड एज इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। निधि उघाटे ऑस्ट्रेलिया, रवि रेणुका डी, अश्विनी कुमार डी, प्रथम राठौर डी, सौम्या कुमारी डी नंबर। यानी कि वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत बोहरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी। श्री बोहरा वर्तमान में मैक्सिको में भारत के राजदूत हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कैपिटल कैनबरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश सीएम जयराम ठाकुर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 29 करोड़ इन विच डिस्ट्रिक्ट, यानी हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने किस जिले में 9 करोड़ रुपए की नींव रखी है? क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश सीएम जयराम ठाकुर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रुपीज 29 करोड़ इन विच डिस्ट्रिक्ट। अश्विनी कुमार ई नंबर, रवि रेणुका ई नंबर, निधि उगाडे सोलन, सालू सिंह जी ई नंबर। इसका आंसर हो जाएगा सोलन। यानी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में सोलन जिले के दून विधानसभा क्षेत्र में लगभग 29 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो समर कैपिटल शिमला, विंटर कैपिटल धर्मशाला, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंदारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज लॉन्च सुगम्य भारत ऐप। यहाँ जो सही आंसर आ रहा है उसमें सुनील कुमार प्रथम राठौर, निधि उगाठे, सालू सिंह। क्वेश्चन है कि हु हैज लॉन्च सुगम्य भारत ऐप, सुगम्य भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है थावर चंद्र गहलोत, दूसरा है नरेंद्र सिंह तोमर, तीसरा है अर्जुन मुंडा, चौथे स्थान पर है रमेश पोखरियाल।
सुनी कुमार ए नंबर निधि उगाडे रिलेटेड, प्रथम राठौर ए, रवि रेणुका ए, सालू सिंह ए, सौम्या कुमारी ए। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर थावर चंद्र गहलोत। अगला सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद्र गहलोत नई दिल्ली में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुगम्य भारत ऐप एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक एक हैंडबुक लॉन्च किया है। आपको बता दें कि हैंडबुक जो है वो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHAI ने हाल ही में केवल 18 घंटे में लगभग 25.54 किलोमीटर सिंगल लेन सड़क का विकास पूरा किया है जिसमें एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। वर्तमान NHAI मंत्री कौन है? यानी कि अर्जुन मुंडा, अमित शाह, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, रमेश पोखरियाल निशंक। सुनील कुमार डी नंबर, सालू सिंह डी, प्रथम राठौर डी, निधि उगाड़े, नितिन गडकरी, रवि रेणुका डी नंबर। आपको बता दे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो अभी सड़क परिवहन मंत्री हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, भाजपा के लोकसभा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य के थे? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। जल्दी जल्दी आंसर बताना, आंसर क्या होगा? बिहार, झारखंड। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भाजपा के लोकसभा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य से थे? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। फुल समरी मार अश्विनी कुमार, रवि रेणुका, प्रथम राठौर खांडवा से थे। बहुत बढ़िया अश्वनी, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी भारतीय जनता पार्टी खांडवा के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का नई दिल्ली में निधन हो गया कोविड-19 के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना पहली बार किस देश में एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में भाग लेगी? यूएसए, यूएई, जापान, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है उसमें अश्विनी कुमार बी, प्रथम राठौर बी, रवि रेणुका बी नंबर, सालू सिंह बी, सौम्या कुमारी बी। इसका आंसर हो जाएगा यूएई। पहली बार भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट संयुक्त अरब अमीरात यूएई में एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में भाग लेंगे। अल द्रफा एयरबेस पर 3 से 27 मार्च से शुरू होने वाले 3 सप्ताह लंबी ड्रिल में यूएसए, फ्रांस, सऊदी अरबिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन और मेजबान देश यूएई की वायु सेनाएं होंगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि सिमली पाल टाइगर रिजर्व
में भड़की जंगल की आग पर अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने का आदेश किसने दिया है? आंसर सही था सुनील कुमार सालू सिंह प्रथम राठौर। बताइएगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भड़की जंगल की आग को अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने का आदेश किसने दिया है? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री, यानी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इतना डिपार्टमेंट संभालते हैं प्रकाश जावड़ेकर जी ने। 2 मार्च को 10 दिनों के लिए लगी आग पर संज्ञान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नर हैज अप्रूव्ड ए बिल दैट रिजर्व 75% ऑफ द प्राइवेट सेक्टर जॉब फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट। लो अलग ही नाटक है। किस राज्य के राज्यपाल ने एक विधेयक को मंजूरी दी है राज्य के लोगों के लिए निजी क्षेत्र में भी नौकरी का 75% हिस्सा होगा? एक तरह से समझ लीजिए सर कि रिजर्वेशन है, जैसे स्कूलों में होता है ना कि लोकल एरिया के बच्चों का ज्यादा एडमिशन होगा, वैसे किस राज्य की सरकार ने एक विधेयक मंजूरी कर दिया है कि प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब का 75% हिस्सा वहीं के लोगों का होगा? पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और हरियाणा। रितेश पांडे जी ई नंबर, रवि रेणुका ई, प्रथम राठौर ई, सौम्या कुमारी ई, अश्विनी कुमार ई, सालू सिंह ई नंबर, अनामिका पाठक ई नंबर। अनामिका पाठक पहले ही हैंड रेस कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो हरियाणा। याद रखिएगा हरियाणा की सरकार ने अभी ये घोषणा की है। ठीक, तो बताइएगा हरियाणा कितने लोगों का आंसर था? यानी कि हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने एक विधेयक को मंजूरी दी जो राज्य के लोगों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करेगा। हरियाणा की बात करें तो कैपिटल चंडीगढ़, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च घरों की पाचन चेलिक नाम, यानी किस राज्य सरकार ने घरोची पाचन चेलिक नाम की एक स्कीम लॉन्च किया है? जो आंसर सही था उसमें आ रहे हैं अनामिका पाठक, प्रथम राठौर, अश्विनी कुमार, सालू सिंह, सौम्या कुमारी, अश्विनी कुमार, रवि रेणुका बी नंबर, सालू सिंह बी, प्रथम राठौर बी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। हम आपको बता दें कि यह जो घरों पाचन चेलिक नाम है इसका एक्चुअली हिंदी में नहीं किया है, उत्तराखंडी भाषा है। इसका नाम है बेटी का नाम घर की पहचान, हिंदी में है बेटी का नाम घर की पहचान कार्यक्रम के विकास योजनाओं का शुभारंभ किया है। सुनी कुमार बी, रवि रेणुका बी, सालू सिंह बी, प्रथम राठौर बी नंबर। उत्तराखंड की बात करें तो विंटर कैपिटल देहरादून, समर कैपिटल गैरसैंण, चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
सही आंसर है उसमें अश्विनी कुमार, प्रथम राठौर, सालू सिंह। यहाँ पर आंसर आ रवि रेणु का, डी नंबर सालू सिंह, डी अश्विनी कुमार, डी नंबर अनामिका पाठक, डी द फैक्ट। वेरी गुड इवनिंग। डी नंबर सौम्या कुमारी, डी प्रथम राठौर, डी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा 4 मार्च, यानी कि याद रखिएगा 4 मार्च को मनाते राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर डे, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 23 मार्च शहीद दिवस, 26 मार्च बांग्लादेश की स्थापना दिवस। आंसर जो आ रहा है उसमें है अश्विनी कुमार, सालू सिंह, प्रथम राठौर, द फैक्ट। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का मनाते हैं हम लोग 4 मार्च। नेक्स्ट है नेशनल सेफ्टी डे, कब मनाते हैं? 4 मार्च। नेक्स्ट बताइएगा नेशनल सिक्योरिटी डे कब मनाते हैं हम लोग? रवि रेणुका, डी नंबर, सालू सिंह, डी अश्विनी कुमार, डी प्रथम राठौर, डी। आपको बता दी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 मार्च, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डे हम लोग कब मनाते हैं? तो 4 मार्च। अश्विनी कुमार, डी नंबर, प्रथम राठौर, डी सौम्या कुमारी, डी द फैक्ट। सेम अश्विनी कुमार, प्रथम राठौर, अनामिका पाठक, नेशनल सिक्योरिटी डे। हाँ बिल्कुल सेम है, सेफ्टी डे और सिक्योरिटी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको हम लोग CII बोलते हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, की रेटिंग के अनुसार भारतीय रेलवे की का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस गोल्ड प्रमाणन से
सम्मानित होने वाला महाराष्ट्र राज्य का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। आईजीबीसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जो आंसर सही है उसमें अश्विनी कुमार, प्रथम राठौर, अनामिका पाठक, सालू सिंह, रवि रेणुका, सालू सिंह, हैदराबाद। चलिए बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है तो हैदराबाद। कितने लोग आंसर था हैदराबाद, जल्दी जल्दी बताना। यहाँ पोल सवारी मारे सुनील कुमार, सालू सिंह, सौम्या कुमारी, प्रथम राठौर और अनामिका पाठक। आपको बता दें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल क्लब मुंबई हैज वन द 2020 एंड 21 इंडियन सुपर लीग ISL। इट वाज हेल्ड इन विच स्टेट? यानी कि फुटबॉल क्लब मुंबई ने 2020-21 इंडियन सुपर लीग जीता है, यह किस राज्य में आयोजित किया गया था? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं अश्विनी, आज लगे रहना रात के 1 बजे तक, मुझे नींद नहीं आती। आपको आवाज से लग रहा है कि मुझे नींद आ रही है। अश्विनी कुमार, सालू सिंह, सौम्या कुमारी, प्रथम राठौर, अनामिका पाठक, रवि रेणुका, सी नंबर अश्विनी कुमार, सी प्रथम राठौर, सी। सालू सिंह, इसका आंसर हो जाएगा गोवा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। यानी कि मुंबई सिटी FC ने गोवा के GMC बॉम्बोलिम स्टेडियम में अगले सीजन में प्रतिष्ठित AFC चैंपियंस लीग में जगह बनाने के लिए इंडियन सुपर लीग के अंतिम लीग मुकाबले एटी के मोहन बगान को 2-0 से हराया। अश्विनी कुमार, प्रथम राठौर, सालू सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2023। यानी कि इस देश में संपूर्ण रेल नेटवर्क 2023 तक पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगा। सभी रेल नेटवर्क 2030 तक नवीनीकरणीय ऊर्जा पर चलेंगे। यह बात रेल मंत्री पीयूष गोयल ने समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि सरकार परिवहन की लागत की कमी आने पर आपूर्ति श्रृंखला दक्षता बढ़ाने के लिए मॉडल लॉजिस्टिक संसाधनों पर काम कर रही है।
आंसर था सालू सिंह, सौम्या कुमारी जी का गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन कॉमेमोरेट्स चाभर डे यानी कि चाबहार दिवस भारत में कब मनाया जाता है? फर्स्ट मार्च, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। सुनील कुमार जी निगेटिव, दो गलत हुआ आपका। द फैक्ट सी नंबर, प्रथम राठौर। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन था कि भारत चाबहार दिवस, आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा 4 मार्च, यानी जिस दिन हम लोग नेशनल सेफ्टी डे मनाते हैं उसी दिन मनाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबहार पोर्ट है समझे, यहाँ पर ध्यान रखना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जब आगे बढ़ते हैं तो गल्फ ऑफ ओमान में यहाँ चाबहार पोर्ट है, अरेबियन सी का पार्ट माना जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बिकम द थर्ड प्लेयर टू हिट 6 सिक्सेस इन इंटरनेशनल मैच? यानी क्वेश्चन है कि हु हैज बिकम द थर्ड प्लेयर टू हिट 6 सिक्सेस इन एन इंटरनेशनल मैच? रवि रेणुका डी नंबर, प्रथम राठौर डी, प्रथम राठौर, अनामिका पाठक डी, सुनील कुमार ई नंबर। गलत हो गया, कोई बात नहीं, सुनील कुमार सालू सिंह, इसका आंसर हो गया किरण पोलार्ड। किरण पोलार्ड ने क्या किया अभी, ये 6 सिक्सेस मारे हैं एक ओवर में अंतरराष्ट्रीय मैच में। ठीक, और आपको बता दें कि इसकी उपलब्धि जो है हर्षल गिफ्स तीसरे खिलाड़ी बने हैं, युवराज सिंह के नाम पर भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह ने किस संगठन के महानिदेशक के रूप में अधिकारी नियुक्त किया गया है, बताइएगा। सुनील कुमार बहुत बढ़िया। क्वेश्चन का आंसर बताएगा रवि रेणुका ई नंबर, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन है, आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह ने किस संगठन के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त नियुक्त किया है, आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा सीआरपीएफ। सीआरपीएफ यानी कि आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह
को प्रमुख एपी महेश्वरी के सेवानिवृत्त होने पर सीआरपीएफ महानिदेशक डीजी का पदभार देखने के लिए सौंपा गया है? यहाँ पर आंसर आ रहा है सालू सिंह ए नंबर, अनन्या प्रिया जी सीआरपीएफ, अनामिका पाठक ए, प्रथम राठौर ए, द फैक्ट ए, अश्विनी कुमार ए, सौम्या कुमारी ए, प्रथम राठौर जी। इसका आंसर हो जाएगा फीजी। ठीक है, फीजी, फीजी कैपिटल सूबा, करेंसी फीजियन डॉलर, प्रेसिडेंट जियोजी कॉर्नोटे। प्रथम राठौर, अश्विनी कुमार, रवि रेणुका, अनामिका पाठक। तो भारतीय वायुसेना पहली बार किस देश में एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 6 में भाग लेगी? इसका आंसर हो जाएगा रमेश बायस, यानी कि त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बायस ने उदयपुर त्रिपुरा में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर आंसर आ रहे प्रथम राठौर, अश्विनी कुमार, रवि रेणुका, अनामिका पाठक। अश्विनी कुमार, रवि रेणुका, सी, प्रथम राठौर जी, सी नंबर। त्रिपुरा कैपिटल अगरतला, चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देब और गवर्नर हैं रमेश बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिटी हैज टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ गवर्नर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020? क्वेश्चन है कि सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अश्विनी कुमार सी, रवि रेणुका सी नंबर, प्रथम राठौर सी, अश्विनी कुमार, प्रथम राठौर ए, रवि रेणुका। क्वेश्चन था कि सरकार की ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो बेंगलुरु। लिव इंडेक्स में आसानी से भारत शीर्ष 10 शहरों की जांच करे, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयंबटूर, वडोदरा, इंदौर, ग्रेटर मुंबई के बाद बेंगलुरु के शीर्ष पर है। बेंगलुरु सरकार की ईज ऑफ लिविंग सूचकांक 2020 भारतीय शहर के रूप में उभरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने रक्षा सामग्री उपकरण, आंसर सही था अनामिका पाठक, प्रथम राठौर, सालू सिंह।
यहाँ पर आंसर आ रहा है नमका पाठक, प्रथम राठौर, सालू सिंह, अश्विनी कुमार, रवि रेणुका, अश्विनी कुमार बी द फैक्ट, बी सालू सिंह, बी नंबर। आज लगे रहना है, कोई भी जो है वो ऑफलाइन नहीं होगा, मतलब कहने का मीनिंग लाइव रहिएगा आज जब तक सेशन चले। का आंसर हो जाएगा फिलीपींस, यानी कि भारत ने रक्षा सामग्री और उपकरण की बिक्री के लिए फिलीपींस के साथ समझौता किया। बताओ ना फिलीपींस कितने लोग आंसर था। द फैक्ट बी अश्विनी कुमार, बी सालू सिंह, बी प्रथम राठौर, बी प्रथम राठौर, अश्विनी कुमार जी, इसका आंसर फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीपींस की बात करें, कैपिटल मनीला, और करेंसी है फिलीपींस पेसो, याद रखना है पेसो करेंसी बहुत पूछता है, फिलीपींस की करेंसी है। रेड्रिगो डुटेर्टे इसके प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज प्लान टू बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट रिफ्यूजी फॉर द प्लेटिस्पस, कंट्री है, बताइए आंसर क्या होगा। रवि रेणुका ए, सालू सिंह ऑस्ट्रेलिया, तो सुनी कुमार ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संरक्षणवादियों ने प्लैटिपस की दुनिया की शरण पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण बत्तख के स्तनधारी विलुप्त होने के सामना कर रहे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ चैंपियनशिप के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए क्वेश्चन का आंसर। रवि रेणुका ए, सालू सिंह ऑस्ट्रेलिया, सुनी कुमार ए, सौम्या कुमार ई, अश्विनी कुमार। रवि रेणुका बी, अश्विनी कुमार बी, सालू सिंह बी, प्रथम राठौर बी, अनामिका पाठक बी। बी इसका आंसर हो जाएगा मैरी कॉम, बहुत बढ़िया,
यानी कि 6 बार विश्व चैंपियन पैगलिस्ट, मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ आईबीए चैंपियन द्वारा अनुभवी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड विच ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स जानते हो, बाजरा। यूनाइटेड नेशंस ऑफ जनरल असेंबली ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? आपको बता दें इसका आंसर होगा 2023। बताएगा 2023 कितने लोगों ने आंसर दिया था? सुनील कुमार बी, अनामिका पाठक बी, सालू सिंह बी, रवि रेणुका भी, प्रथम राठौर भी, सौम्या कुमारी बी नंबर। का आंसर हो जाएगा 2023। सही आंसर आया सौम्या कुमारी, अश्विनी कुमार, अनामिका पाठक, सालू सिंह, प्रथम राठौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक इज कोलैबोरेटिंग विद विच बैंक? वर्ल्ड बैंक इज कोलैबोरेटिंग विद विच बैंक टू इंप्लीमेंट? $648 million फाइनेंसिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम विश्व बैंक ने $648 मिलियन के वित्त पोषण और तकनीकी सहायता कार्यक्रम को लागू करने के लिए किस बैंक के साथ सहयोग कर रहा है? रवि रेणुका ए, अनामिका पाठक ए, सौम्या कुमारी ए, प्रथम राठौर ए, अश्विनी कुमार ए नंबर। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI।
रवि रेणुका, अनामिका पाठक, सौम्या कुमारी, प्रथम राठौर और अश्विनी कुमार। बता दे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी आर सक्सेसफुली टेस्टेड इन स्टार्टअप शिप प्रोटोटाइप रॉकेट SN-10। SN-10 सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसरो, यूरोपियन स्पेस स्पेस एजेंसी, नासा, जाक्सा और स्पेस एक्स। रवि रेणुका ई नंबर, अश्विनी कुमार ई, सौम्या कुमारी ई, प्रथम राठौर ई नंबर, अनामिका पाठक जी ई नंबर। आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। स्पेस एक्स अभी सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं, ठीक है? तो टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो इस जो बाकी सेशन जो रहा उसको हम कल दिन में सुबह 9 बजे से लेकर के रिवाइज करा देंगे, ठीक है? पूजा सिंह जी, आपसे ये किसने कहा? या क्वेश्चन को तैयार करना पड़ता है तब वो स्क्रीन पे आता है, ठीक है? तो आपको अगर मेरा ये सेशन पसंद आया तो आप लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और मेरे रेफरल को जरूर याद रखिएगा RPK10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक? तो फिर हम आपसे मिलते हैं कल सुबह 9 बजे
इसे बता दे कि कल स्पेशल क्लासेज है दिन सुबह के 6 बजे और 7 बजे और 8 बजे, तीन स्पेशल क्लासेज है रात के 10:30 बजे, ठीक, चार स्पेशल क्लासेज है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे और रात के 10:30 बजे, और 9 बजे से 4 बजे तक का सेशन जो है वो है इसी लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम चैनल पर, ठीक है। तो फिर कल जो है हम आपसे लाइव में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।